दिल्ली दस्तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और लगातार मैं अपने पहाड़ में जो पहाड़ जैसी जो हमारी जो समस्याएं हैं उनसे आप लोगों को अवगत कराता रहता हूं। और दोस्तों आपको बता दूं कि आज मैं इस बोंसाल के पुल पर हूं और ये बोंसाल का पुल पिछले 40 सालों से ये पुल है और ये लकड़ी का पुल है। देखिए कि किस प्रकार से ये लकड़ी का पुल है, ये देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि प्लीज़ इस पुल को दिखाइए कि किस प्रकार से ये जर्जर हालत में ये पुल है। और लगातार मैंने कहा है कि मैं अपने पहाड़ जैसी समस्याओं को आप लोगों से अवगत कराता रहता हूँ। पिछले 40 सालों से ये पुल है और लकड़ी का पुल है और इस पुल से कई गांवों का आवागमन होता है, कई गांवों के लिए रास्ता यहाँ से जाता है और कई मंत्रियों का भी यहीं से गांव है। आइए और आज इस पुल के लिए एक युवा मंजीत नेगी के द्वारा एक धरना प्रदर्शन का आयोजन यहाँ पर किया है। देखिए मेरे पीछे, अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप पीछे दिखाएँ कि किस प्रकार से धरना प्रदर्शन यहाँ पर गाँव के लोगों ने किया हुआ है। और इस धरना प्रदर्शन का जो पूरे आयोजन जो पूरा किया नेतृत्व कर रहे हैं मनजीत, यहाँ पर युवा साथी हमारे, उनसे हम बात करेंगे कि किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनजीत रावत है। क्या समस्या है सर ये पुल की? सर ये आसवासी क्षेत्र के जो ये बोंसाल पुल है, ये हमारे आसवासी क्षेत्र के 18,000 से अधिक आबादी वाले 80 से अधिक गाँव को उनका मुख्य बाजार सतपुली और राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। इस गांव से सुना है कि कई मंत्रियों का वो जुड़ाव है यहां से। बिल्कुल, आप जिस पुल पर अभी आप खड़े हुए हैं, ये हमारे उत्तराखंड के जो अभी वर्तमान में गढ़वाल सांसद हैं आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, उनका पैतृक गांव सिरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और इसी बोंसाल, ये जो बोंसाल पुल है, इसी बोंसाल पुल से जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं भुवन चंद्र खंडूड़ी, उनका ससुराल नैल, वो भी इनको राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ता है। और इसी बोंसाल पुल से मात्र 15 किलोमीटर की दूरी पर हमारे उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का पैतृक गाँव खैरासैन पड़ता है। और उसके बावजूद भी इतने बड़े आबादी वाले क्षेत्र के लोग इन लकड़ी के तख्तों के भरोसे अपनी आवाजाही कर रहे हैं। कितनी आबादी जुड़ी होगी इससे? सर इस क्षेत्र से लगभग 18 से 20,000 की आबादी इस क्षेत्र के लोग इस पुल से अपनी आवाजाही कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए कि 20 साल का समय उत्तराखंड को बना हुआ हुआ है, लेकिन जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं है। हमने सोचा था हमारा उत्तराखंड बनेगा, हमारे अपने नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी सरकार होगी, हमारी अपनी जो बेरोजगारी की जो समस्या है, पलायन की जो समस्या है, उस पर काम किया जाएगा। और आज देखिए कि किस प्रकार से दुर्दशा इस उत्तराखंड की हुई है। यहाँ के नेताओं में वो इच्छा शक्ति की कमी है जो इच्छा शक्ति चाहिए थी। पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्या है, लेकिन पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति वाला कोई भी नेता उत्तराखंड में अभी तक नहीं हुआ। बारी बारी से कांग्रेस आई, बीजेपी आई, सब ने सिर्फ दोहन किया और अपने मकान सिर्फ दिल्ली और देहरादून तक ही सीमित रखे। एक युवा मनजीत नेगी ने इस आंदोलन को किया, बहुत ही सुंदर प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है। और जिस प्रकार देखिए कि मेरे सामने किस प्रकार से लोगों की भीड़ है और इस युवा को किस प्रकार से समर्थन दिया जा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से कोटद्वार के या उत्तराखंड के सभी युवाओं को इन्होंने मैसेज दिया है कि हमें किसी भी नेता की चापलूसी नहीं करनी है, हमें अपने उत्तराखंड के लिए काम करना है। अगर हम अपने उत्तराखंड के लिए काम करेंगे तो इस प्रकार से लोग आपके साथ जुड़ेंगे। देखिए कि किस प्रकार से ये लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ मनीष खुकसाल जी हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या समस्याएं आप लोगों की? बिल्कुल, जो है कि राज्य को बने हुए 20 साल, जैसे आपने कह दिया कि 20 साल के बाद भी यहाँ पर विकास की जो गति है बिल्कुल ही शून्य के रूप में है। हम जो देख रहे हैं कि 2017 से हमको लगातार बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपका जो ये पुल है इसका निर्माण होने वाला है, इस पुल का निर्माण होने वाला है। लोकसभा चुनाव आते हैं, चुनाव से पहले यहाँ पर तंबू लग जाता है और चुनाव होने के बाद वोटिंग होती है, उसके बाद वो तंबू फिर उखड़ जाता है, उसका पता नहीं चलता कि कहाँ। तो हम लोग इस आशा में रहते हैं कि यहाँ पर हमारे सांसद जी हमारे हैं, हमारे विधायक जी हैं, भुवनचंद खंडूड़ी जी का उनका ससुराल है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर विकास होगा, लेकिन विकास हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा अभी तक। कई बार सॉइलिंग टेस्ट हो गया है? बिल्कुल, यहाँ पर सॉइलिंग टेस्ट 2-3 बार ही हो चुका है और आज भी जो है कि दो मत मेरे को यहाँ पर देखने को मिले। मैं जब सुबह सुबह पहले मैं लेबरों के पास पूछने गया कि यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम जो यहाँ पर सॉइलिंग टेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद जो अभी यहाँ पर विभाग से अधिकारी आए थे, अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं नहीं ये सॉइलिंग टेस्ट नहीं हो रही, हमारा टेंडर हो गया है और ये पुल का निर्माण का कार्य शुरू हो रहा है। तो इसमें जो दो बातें आ रही हैं हमारी समझ से परे है कि आप सॉइलिंग टेस्ट कर रहे हैं या पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो इस चीज़ में मेरे को लगता नहीं है कि पुल का निर्माण हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पुल का निर्माण हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लगातार पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याओं से मैं दिल्ली दस्तक के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराता हूं। और आज इस बोंसाल के पुल में हूं, बोंसाल में हूं मैं। और ये बोंसाल आपको बता दूं कि सतपुली से जब आएंगे तो 8 किलोमीटर की दूरी पर ये बोंसाल का पुल है। जर्जर अवस्था में ये पुल है, आपको मैंने शुरू में ही ये पुल दिखाया है। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, इनसे जानेंगे। सर क्या नाम है आपका? मानिए भाई, मेरा नाम बलवंत सिंह नेगी है।
क्या समस्या है? मैं ग्राम थैगर रहने वाला हूँ। देखिए इस रोड को बनने का 4 दशक हो चुके हैं, लेकिन हालत इसकी इतनी दयनीय है कि हमें भी दुख होता है, शर्म आती है। लोग कहते हैं कि भाई क्षेत्र की जनता क्या कर रही है। मान्यवर, इस पुल के लिए कई बार प्रयास किया गया। 1905-6 में इसके 90 लाख रुपये स्वीकृत हुआ था, जिसके बाद पीडब्ल्यू ने इसको रेट रिवाइज कर 1 करोड़ 20 लाख किया था, लेकिन वो फाइल इधर से घूमती रही और वो 1 करोड़ 20 लाख भी चला गया। न तो आज तक काम हुआ है। जब तक लड़ाई लड़ने वाले लड़ाई जब तक पुणे में लड़ाई चालू रहेगी, हमारी लड़ाई अभी तो एक झांकी है, आगे लड़ाई है। एक ही दिन का धरना नहीं, एक दिन का धरना, ये बहुत लंबी लड़ाई है। अभी एक पुल और है हमारा, अभी आगे है पिपला टीका मोटे बाबू जी निर्माण देना है, उसको बनाना है उसको भी। तो अच्छा, इन सभी लोगों से भी एक बार पूछ लेता हूँ, कब तक लड़ाई लड़ोगे आप लोग? तो देखिए दोस्तों, इस उत्तराखंड की हमने कल्पना की थी कि हमारा उत्तराखंड बनेगा और हमें सुविधाएं मिलेगी, लेकिन आज उत्तराखंड के जो युवा हैं और जो पहाड़ में जो रहने वाले हैं, वो इस प्रकार से धरना प्रदर्शन कर रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से लगातार यहाँ के नेताओं को, उत्तराखंड के नेताओं को मैं एक मैसेज देता हूँ कि आप लोगों को प्लीज शर्म आनी चाहिए। आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं, और लोकल देखिए किस प्रकार से आप काम कर रहे हैं। लोग यहाँ पर इस प्रकार से आंदोलन के लिए बाध्य हैं। हमारे पहाड़ों में पहाड़ जैसी समस्याएं हैं, लेकिन पहाड़ जैसी इच्छा शक्ति वाला कोई भी नेता अभी तक नहीं हुआ है। उत्तराखंड में बारी बारी से बीजेपी आई, कांग्रेस आई, लेकिन सभी ने अपनी यहाँ की जो संसाधन है उसका दोहन किया है। और लगातार मैं देखिए कि मेरे पीछे किस प्रकार से नारे चल रहे हैं, और लग रहा है कि इस बार जिस प्रकार से ये युवा मंजीत नेगी के नेतृत्व में ये जो धरना प्रदर्शन, आज एक दिन का धरना प्रदर्शन था, आगे इसको और भी आगे किया जाएगा। और इन्होंने एक मुश्त एक शब्दों में सभी ने यही कहा है कि जब तक ये पुल नहीं बनेगा, हमारा आंदोलन इसी प्रकार से रहेगा, और मेरा भी आंदोलन खबरों के माध्यम से इसी प्रकार से रहेगा जब तक हमारे उत्तराखंड की समस्याओं पर नेता लोग काम नहीं करेंगे। मैं भी इसी प्रकार से आपको ग्राउंड जीरो से, पहाड़ की ग्राउंड जीरो से इसी प्रकार से अपडेट करता रहूंगा। एक बार लास्ट में आखिर में आपको ये पुल दिखाता हूँ कि किस प्रकार से जर्जर अवस्था में ये पुल है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, चल के दिखाइए आप लोग, जरा इस पुल को दिखाइए प्लीज। ये देखिए, ये है पुल, देखिए ये। आज हम चांद पे जाने की बात कर रहे हैं और उत्तराखंड के नेता इस पुल को नहीं बना पा रहे, तो शर्म की बात है उत्तराखंड के नेताओं को। और दिल्ली दस्तक का यही प्रयास आगे भी रहेगा कि हम अपने पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याओं से लगातार, आपको देखिए किस प्रकार से हम उस उत्तराखंड की कल्पना करेंगे जिसके लिए हमारी माताओं बहनों ने बलिदान किया है। अभी 2 अक्टूबर को ही हमने काला दिवस मनाया है, और उस उत्तराखंड को बनाने के लिए किस प्रकार से त्याग हम लोगों ने किया है, उस त्याग की कीमत ये नेता इस प्रकार से दे रहे हैं। तो दिल्ली दस्तक आपको ग्राउंड जीरो से लगातार उत्तराखंड और पहाड़ों की समस्याओं से अवगत कराता रहेगा। दिल्ली दस्तक के लिए मैं परवीन थापा, बोसाल पुल से।